प्रतापगढ़ किले का इतिहास। इस किले को 1856 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। शहर से 20 किलोमीटर दूर इस किले में ही शिवाजी ने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था। समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में मां भवानी और शिव जी का मंदिर है। आसपास पहाड़ों और गहरी घाटी वाले महाबलेश्वर के नजदीक प्रतापगढ़ किले की आन बान शान छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात के समय से ही बरकरार है। मुलाकात के बाद अफजल खान शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुआ था, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन मौका पाते ही उसने शिवाजी के ऊपर पीछे से वार कर दिया। कपड़ों के अंदर लोहे का कवच होने की वजह से उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई। इसके जवाब में शिवाजी महाराज ने हाथों में पहने बघनखा से उन पर वार करके उसका पेट चीर दिया था। प्रतापगढ़ किला शिवाजी की वीरता का प्रतीक है। किले के अंदर ही एक दूसरा किला भी था। दो भागों में बटा इसका निचला किला 320 मीटर लंबा और 110 मीटर चौड़ा है। वहीं ऊपरी किला 180 मीटर लंबा है। ऊपरी किले में महादेव का मंदिर है और मंदिर के बिल्कुल सामने विशाल दरबार का आयोजन किया जाता था, जिससे मंदिर के सामने बैठकर कोई किसी भी प्रकार का झूठ न बोल सके। ऐसा माना जाता है कि सन 1661 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर में 50 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 12 फीट ऊंचे खंभे लगे हुए हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए नगाड़ा हॉल से होकर गुजरना पड़ता है, जहां पर एक बड़ा ड्रम रखा हुआ है, जिसकी गूंज खास उत्सव पर सुनने को मिलती है। यहां मराठा सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भाले और भी दूसरे तरह के औजार देखने को मिलेंगे। मंदिर के अंदर 8 भुजाओं वाली देवी भवानी की साड़ी में मूर्ति विराजमान है। मंदिर में छत्रपति शिवाजी की तलवार भी रखी हुई है, जिससे उन्होंने अकेले प्रतापगढ़ की लड़ाई में अफजल खां की सेना के 600 सैनिक मारे थे। हनुमान मंदिर का निर्माण शिवजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी ने करवाया था। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ विराजमान हनुमान जी का ऐसा रूप कहीं भी दूसरी जगह नहीं मिलता है। प्रतापगढ़ फोर्ट देखना बेशक एक अच्छा एक्सपीरियंस साबित होगा, लेकिन यहाँ आकर महाबलेश्वर नहीं घूमा तो बहुत कुछ मिस करने जैसा होगा। वीकेंड में आप यहाँ रुककर पहाड़ों और घाटियों और आसपास के खूबसूरत नज़ारों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेना लेक में बोटिंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा ऑर्थर सीट भी बहुत ही रोमांचक जगह है। इस जगह का नाम ऑर्थर सीट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सर ऑर्थर मॉलेट बैठकर सावित्री नदी को देखा करते थे, जिसमें एक घटना के दौरान उनकी पत्नी और बच्चे खो गए थे। विल्सन पॉइंट महाबलेश्वर का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहां से उगते और ढलते सूरज को देखना वाकई यादगार होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।